ओके सो अल्फाइज हियर एंड गाइज, आज की इस वीडियो अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल्स के ऊपर। अब देखो यार, मैजिक क्यूब जो बंडल्स है भाई काफी टाइम से फ्री फायर में नहीं आए, मतलब कि आप अगर तुम लोग अभी स्टोर में जाके देखते हो तो कुछ मैजिक क्यूब बंडल तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड किधर गए भाई, हाँ चलो ये वाला देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पे तुम्हें 20 बंडल देखने को मिल जाएंगे। बट भाई ये जो 20 बंडल है ये कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक बंडल ही है। वैसे ये बंडल थोड़ा मतलब खास, अगर तुम फीमेल हो तो इसको ले सकते हो, बाकी ज़्यादा अच्छे अच्छे बंडल नहीं है। बट भाई अब तुम्हें चाहिए थोड़े अच्छे बंडल, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग को एक फ्री में मैजिक क्यूब मिला था। एंड भाई जब फ्री में मैजिक क्यूब मिलता है तो उसको यूज करने का भी मन भी करता है। बट भाई मेरे पास तो ऑलरेडी 11 मैजिक क्यूब है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम्हारे पास एक दो मैजिक क्यूब है जिनको तुम उड़ाना चाहते हो अच्छे बंडल पे। तो इस वीडियो पर बात करेंगे कि भाई कौन सा मतलब मैजिक क्यूब बंडल्स आने वाले हैं, कब आएंगे, सबके बारे में बात करेंगे। एंड उसी के साथ मैं तुम लोग को इसी वीडियो में फ्री में डायमंड की ट्रिक भी बताऊंगा। तो भाई वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई अगर तुम स्किप करोगे तुम्हारा नुकसान है। तो चलो यहाँ पे अपन वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, पहले क्या था कि भाई गरीना का ऐसा था कि हर कोई भी जो एनिवर्सरी आती है, मतलब कि 5th एनिवर्सरी या फिर 4th एनिवर्सरी, जो भी गरीना की एनिवर्सरी होती है भाई, उसके अंदर तुम लोग को अच्छे अच्छे मैजिक क्यूब बंडल देखने को मिलते थे। क्योंकि देखो मैजिक क्यूब भी मिलता है, तो भाई जब मैजिक क्यूब मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई मैजिक क्यूब बंडल्स भी देने चाहिए, गरीना को हर बार देती है। बट इस बार ऐसा हुआ कि भाई हम लोग को जो हमारी 6th एनिवर्सरी गई अभी कुछ दिन पहले भाई, उसके अंदर तुम लोग को मैजिक क्यूब बंडल्स देखने को मिले ही नहीं, मतलब जो पुराने मैजिक क्यूब बंडल्स है भाई तुम लोग को देखने को मिल रहे। तो भाई यहाँ पे जो न्यू मैजिक क्यूब बंडल्स वो कब आएंगे आगे बताऊंगा, बट उससे पहले तुम लोग को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि भाई जो क्यूब फ्रेगमेंट है मेरे पास कितने हैं। भाई मेरे पास 73 क्यूब फ्रेगमेंट्स है। एंड अभी जस्ट मेरे को कितना चाहिए, मतलब कि हाँ 27 मेरे को क्यूब फ्रेगमेंट चाहिए। एंड उसके बाद में मेरे पास 100 क्यूब फ्रेगमेंट हो जाएगा, देन मैं यहाँ पे एक और मैजिक क्यूब एक्सचेंज कर पाऊंगा, तो भाई मेरे पास 12 मैजिक क्यूब हो जाएगी। तो भाई इतनी सारी मैजिक क्यूब मेरे पास, लाइक मैं मैजिक क्यूब का ही कलेक्शन बना रहा हूँ। तो भाई किस किस के पास मेरी जितनी मैजिक क्यूब है मुझे सब लोग जाके पहले कमेंट में बता दो। एंड अभी मैं तुम लोग को फ्री में डायमंड ट्रिक बता देता हूं, उसके बाद में मैजिक क्यूब बंडल्स की डेट के बारे में बात करते हैं। ना तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन है वहाँ पे सबसे टॉप पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। देन तुम्हारे सामने ऐप आएगा विंजो, इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद कुछ नहीं करना, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर सही से डाल देना, ठीक है। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, मतलब थोड़ा सा वेट करना, ओटीपी आने में थोड़ा टाइम लगा था। तो जैसे ओटीपी आ जाए उसको सबमिट कर देना है। देन तुम्हारे सामने बहुत सारे गेम आएंगे, यहाँ पे कोई एक गेम तुम्हें खेलना है और वो जो गेम पूरा खेलना, बीच में से मतलब एग्जिट मत करना। अब जैसे गेम हो जाए तो तुम्हारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। एंड गाइस देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर फ्री फायर आईडी, यहाँ पे तुम्हें अपनी यूआईडी डालना है गेम की, सेव वाले बटन पे दबा देना है। एंड देख सकते हो भाई यहाँ पे डायमंड मिल चुका है, कांग्रेचुलेशन लिख के आ चुका है। तो भाई यहाँ पे सभी को डायमंड मिल रहा है, पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर तुमने पहले कभी विंजो डाउनलोड किया अपने फोन में तो तुम लोग को यहाँ पे नहीं मिलेगा डायमंड, तुम्हें कोई दूसरे फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा जिसमें तुमने कभी विंजो डाउनलोड नहीं किया, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, फ्री फायर का और विंजो का कोलैब हो रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्री में डायमंड मिल रहा है, तो भाई अभी सभी को मिल रहा है। तो भाई तुम लोग भी लूट सकते हो और जाओ जल्दी डाउनलोड करो मेरे लिंक से, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में रखा और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। तो भाई देखो सबसे पहले मैं तुम्हें मैजिक क्यूब बंडल्स की डेट के बारे में बता देता हूँ, फिर मैजिक क्यूब बंडल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो मैजिक क्यूब बंडल्स की डेट होने वाली थी वो वैसे 6th एनिवर्सरी में भाई तुम लोग को 20 जुलाई के अंदर देखने को मिलने वाली थी, मतलब 20 जुलाई को मैजिक क्यूब बंडल्स आने वाले थे। बट भाई गरीना ने यहाँ पे कोई भी 5th एनिवर्सरी के अंदर, मतलब सॉरी 6th एनिवर्सरी के अंदर कोई भी बंडल नहीं दिया अच्छे। एंड अच्छे छोड़ो, कोई भी बंडल नहीं दिया, स्टोर अपडेट नहीं किया, जो मैजिक क्यूब वाला स्टोर है वो अपडेट नहीं किया। बट यहाँ पे तुम लोग टेंशन मत लो, बिकॉज ऐसा होता है, देखो जब भी कोई मैजिक क्यूब तुम लोग को फ्री में मिलता है उसका जो मंथ एंड होता है, जैसे मान लो इस मंथ में तुम लोग को मैजिक क्यूब फ्री में मिला है, तो भाई ये जो मंथ एंड होगा तो 1 अगस्त आएगी, मतलब जो नया महीना स्टार्ट होता है भाई उसके अंदर तुम लोग को नए बंडल्स देखने को मिल जाएंगे। हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसा ही होगा, तो तुम लोग जस्ट चिंता मत करो यहाँ पे भाई, मतलब कि तुम लोग को 1 अगस्त तक वेट करना, ठीक है, मतलब 2-3 दिन वेट करना, उसके बाद में तुम लोग को यहाँ पे मैजिक क्यूब बंडल्स देखने को मिल जाएंगे। और अब कौन कौन से बंडल होंगे मैं तुम लोग को ये नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी तक 100% कंफर्म नहीं हुए बंडल, बट तुम लोग ये मान के चल सकते हो भाई जो डायमंड रोल के बंडल है वही तुम लोग को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को पता ही है भाई गरीना बहुत हरामी है, वो यहाँ पे अच्छे बंडल कभी नहीं देगी स्टोर में। तो भाई तुम लोग ये मान के चलो कि जो डायमंड रोल के थोड़े पुराने बंडल है, थोड़े मतलब अच्छे बंडल है, वैसे तुम लोग को यहाँ पे स्टोर में चिपका देगी गरीना। और बाकी ऐसा मत सोचो कि भाई तुम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक बंडल और भाई तुम लोग को आर्टिक ब्लू बंडल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। एंड बस यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो मैंने तुम्हें फ्री में डायमंड की ट्रिक बताई थी इस वीडियो में भाई, उसको यूज करना, मतलब ट्राई करना, एकदम रियल ट्रिक है। और बाय बाय, टेक केयर।